ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत एक छोटी सी मनोहर दादी जी ने कहानी सुनाई थी, मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ 2-3 मिनट में, चमत्कार मदद के। रियल अनुभव है, सच्चा अनुभव है। दो बुजुर्ग युगल एक साथ रहते थे, ज्ञान में चलते थे, उनके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जो माता थी वो बहुत निश्चय बुद्धि थी, भाई थोड़ा कम था। माता ने शिव बाबा को अपना बच्चा बना लिया, दिल से, केवल कहने मात्र नहीं। अगर कोई लौकिक अलौकिक वाला उससे पूछे ना, कोई भी, माता जी कितने बच्चे हैं आपको, तो वो ये नहीं कहती मेरे को कोई संतान नहीं है। बड़े गर्व से, बड़े प्राउड से बोलती थी, मेरा एक बेटा है, मेरा शिव बेटा, बड़ा ही आज्ञाकारी, बड़ा ही होवनहार। दिल से प्रीत हुई, और जब दिल से प्रीत हुई तो ऊपर वाले ने रीत निभाना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां दिल से प्रीत है वहां वो रीत ना निभाए ये हो नहीं सकता। अब उसको ऐसे अनुभव होने लगे कि बाबा उसका छोटा सा बच्चा बन के साड़ी खींच रहा है, उसके साथ साथ है, उसने अपने घर में एक बहुत प्यारा सा रूम बनाया बाबा का, उसको तीनों टाइम भोजन खिलाती, ऐसे नहीं। अब होता तो है, कई बार मैंने देखा, कईयों के घर में भी देखा, जगह देखा, बहन जी बाबा मेरा है, अच्छा घर में गए तो खूंटी पे लटका है, और वो भी टेढ़ा मेढ़ा लटका है, ठीक से वो है भी, कुछ इधर को लटका, ऊपर जाले लटक रहे हैं। माता जी भोग कब लगाया था? भोग तो नहीं लगाते, तुम तो सोतेली माँ से भी बुरा व्यवहार कर रहे हो बेचारे के साथ में, ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए, भले खूंटी पे जगह दो या ना दो, पर जगह कहाँ दो? दिल में दो। भोजन बनाने से पहले बाबा को ऑफर करो, प्यार से ऑफर करो, और ऐसे नहीं कि लो दाल भरा, चावल भरा, उसी में सब कुछ भरा और पटक दिया खा ले, नहीं। जैसे हम छोटे बेबी को खिलाते ना, 5 मिनट बैठिए, प्यार से ऑफर कीजिए, शुक्रिया दीजिए, इस तरह से। तो माता बहुत ही दिल से बाबा को मानती थी और बाबा उसको अनुभव कराता था, प्रीत की रीत निभाता था। एक बार क्या हुआ, माता को मधुबन आना था, उसने अपने युगल से कहा मुझे आबू जाना है, युगल ने मना कर दी, नहीं नहीं मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं, बाद में जाना। कहते अरे मैं आपको अकेला छोड़ के थोड़ा ही जा रही हूँ, अपने शिव बेटा को आपकी सेवा में छोड़ के जाऊंगी। कहता नहीं नहीं तुम बाद में जाना, लेकिन माता को अपने से ज्यादा भरोसा था अपने शिव बेटा पर, और उसके भरोसे वो अपने युगल को छोड़ के आबू के लिए चल दी। 6-7 घंटे चली थी, उस समय फोन वोन तो नहीं होते थे, उसके युगल को जोरदार वाला अटैक आया, हार्ट अटैक। युगल घर में अकेला था क्या, हाँ या ना? अब देखिए क्या होता है जब हम प्रभु अर्पित करते हैं तो क्या होता है, इसे इत्तेफाक कहो, चमत्कार कहो, प्रभु मदद कहो, कुछ भी कह सकते हो, डेली साइड की बात है। एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी किसी हॉस्पिटल में, और एक अमेरिका के NRI डॉक्टर को बड़ी रिक्वेस्टली इनवाइट किया गया था चीफ गेस्ट के लिए, बड़ा ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर, विश्व का फेमस डॉक्टर था वो। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद इंडिया आ रहा था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ गेस्ट बन करके, कार से जा रहा था सड़क पर, जाते जाते दूर से उसकी एक गली पर नजर पड़ी, अरे यहाँ तो मेरा बचपन बीता है, यहाँ तो मैंने खेला कूदा है, पढ़ा लिखा है, उसको अपनी बचपन याद आ गई। जैसे ही गाड़ी गली के पास गई, अचानक उसके मुख से निकला, गाड़ी बोड़ो, इधर जाना था हॉस्पिटल, और क्या किया, इधर मोड़ो, स्टीयरिंग मुड़ गया, किसने मुड़वाया? पूरे 2 मिनट के अंदर माता के युगल के घर के सामने गाड़ी रुकी, और विश्व का प्रसिद्ध डॉक्टर अपने पांव से चल के माता के घर में गया, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड माता का युगल था, उसके घर गया वो। और जब उसने जाकर के देखा कि यहां तो ये ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है, तो उसने प्राइमरी स्टेज पर उसको पंपिंग वंपिंग किया, लैंडलाइन से फोन किया, लैंडलाइन होता था उस टाइम पर, तो अचानक
वहां पर 15 मिनट के अंदर अंदर आप सोचिए सूरज भाई आ गए हैं, आप उनका स्वागत कीजिए। एक जरूरी सूचना है, एक लाइन उस हॉस्पिटल में फोन किया जहाँ कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, तो वहां से एक लग्जरी एम्बुलेंस जो किसी सीएम वीएम के लिए आती है ना, वो एम्बुलेंस, और उसमें कम से कम 8-10 अच्छे अच्छे डॉक्टर उसके माता के घर के सामने आए, एक के बाद एक अच्छे अच्छे डॉक्टर जिनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है खुद भाग भाग के माता के घर जा रहे हैं। प्राइमरी स्टेज पर ट्रीटमेंट हुई, फिर उनको आईसीयू वाली एम्बुलेंस में रखा, हॉस्पिटल लाए, बड़ी शाही ट्रीटमेंट हुई उनकी जो वीआईपी ट्रीटमेंट होती है, 5-6 दिन में वो ठीक हो गए। अब जो उनके फ्रेंड थे डॉक्टर, दो नर्सों को साथ में देकर घर में भेज दिया केयर के लिए, और इधर माता का काम पूरा हो गया बाबा से मिलने का। दोनों के घर आने का दिन एक ही था, भाई पहले आ गए, माता थोड़ी देर बाद आई, लेकिन माता को थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा था कि सब ठीक होना चाहिए। जैसे ही दरवाजे पर आई तो उसने दो नर्सों को खड़ा हुआ देखा, युगल धूप सेक रहे हैं आंगन में। बिचारी दबे पांव से गई और बोला सब ठीक है, तो पहले तो युगल ने माता को जोरदार वाला सैल्यूट किया और फिर कहा, उसका गला भर आया था, उसने बड़े प्यार से कहा, मान गया मैं तेरे शिव बेटा को, मान गया। और लास्ट में बोला, बड़े ही भावुक कर देने वाले शब्द बोले कि सुन, आज मैं तुझे रियलिटी बताता हूं, अगर मेरी खुद का खून तेरी कोख से जन्मा हमारी खुद की औलाद भी होती ना, तो वो इतनी केयर नहीं कर सकता था जितनी केयर तेरे शिव बेटा ने की, खूब निभाई। और लास्ट फाइनल बात कही कि आज से ये केवल तेरा ही बेटा नहीं, आज से ये मेरा भी बेटा है, तेरे बेटे ने तो मुझे ऋणी बना दिया। आगे ना आंसू आंख में, मेरे भी आए थे जब मैंने सुनी थी ये कहानी पहली बार। तो जहां दिल से रिश्ता होता है, जहां दिल की प्रीत होती है, वहां बाबा रीत निभाते हैं। ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।